साथी नमस्कार भाई, अगर ऐसी कोई बात आपके हाथ लग जाए जिससे कि आप पहले ही पता कर लें कि यार इस गाय का इस भैंस का दूध जो है वो कम होने वाला है, कुछ कौन से ऐसे लक्षण है, कुछ ऐसे लक्षण आते हैं उन्हीं को मैं बताने जा रहा हूं। तो कौन से ऐसे लक्षण है जिनको आप देख करके तुरंत पता कर लें कि यार अब तो मेरी गाय का मेरी भैंस का दूध कम होगा, तो पहले ही पता कर लीजिए ताकि तुरंत अगर पता कर लेंगे तो उसका समाधान भी तुरंत कर लेंगे, और अगर तुरंत समाधान होगा तो आपको आर्थिक नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप पहले इलाज कर लेंगे तो भाई फिर जो दूध कम होने वाला था वो होगा ही नहीं। तो देखिए, अगर आप किसी भी भैंस को देखते हैं, जैसे यहाँ एक भैंस बंधी हुई है और इस भैंस के उदाहरण से मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो आपको एरिया दिख रहा है यहाँ वाला, ये इसको हम बोलते हैं मजल्स का एरिया, यानी वो एरिया नथुने जिन्हें बोलते हैं, नॉस्टिल जिन्हें बोलते हैं, ठीक है। तो ये नॉस्टिल है मेनली, तो ये जो नॉस्टिल्स है इसके ऊपर वाला जो ये एरिया है, इस एरिया पर आपको पानी की सी ड्रॉप्स मिलेगी, बूंदे मिलेगी। सबसे पहला लक्षण आप यही पहचाने कि इसके ऊपर हल्की 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 पानी की बूंदे है या नहीं है। अगर आपने एक बार भैंस को ऑब्जर्व किया, पानी की बूंदे नहीं है, एक घंटे बाद आपने फिर देखा नथुने सूखे हैं, नथुने सूखे हैं, फिर आपने और देखा नथुने सूखे हैं, इसका मतलब अगर लगातार नथुने सूखे आ रहे हैं, सूखे नजर आ रहे हैं, इसका मतलब भाई अब ये आगे जा करके दूध कम करने वाली है। तो तुरंत ही आप उसका टेम्परेचर लीजिए, तुरंत ही आप उसका रूमिनल मूवमेंट लीजिए, तुरंत ही आप उसको अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से दिखाइए या खुद ऑब्जर्व कीजिए। देखिए, समय आ गया है कि हर एक चीज को आप खुद ऑब्जर्व करें, और इसीलिए हमने डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है, हर महीने की 5 तारीख से शुरू होती है, जिसमें हम ऑल ओवर चीजों को सिखाते हैं कि आप किस तरीके से पता कर सकते हैं, कैसे आप शेड बनाएंगे, किस तरीके से फीड मैनेजमेंट करेंगे, किस तरीके से ऑल ओवर मैनेजमेंट करेंगे, बीमारियों को कैसे पहचानेंगे, कैसे आप ट्रीट कर सकते हैं, जो प्राथमिक उपचार के तरीके हैं सब आप तक हम लेके आते हैं। तो हर महीने की 5 तारीख से रामावत एनिमल ऐप पर शुरू होता है, और रामावत एनिमल ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, तो वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। यहां मैं आपको बताऊंगी ये जो बूंदे हैं, ये जो ही आपको लगे कि यार मैंने 3 बार देख लिया पानी की बूंदे नहीं है, तो तुरंत आप टेम्परेचर नोट कीजिए, रूमिनल मूवमेंट नोट कीजिए, आपको कोई ना कोई तकलीफ मिलेगी, और उसका समय रहते अगर इलाज हो गया तो भाई आप नुकसान से बच जाएंगे। तो पहला ये लक्षण है जिसको आपको पता करना ही होगा। अब नंबर 2 लक्षण की अगर हम बात करें, तो वो लक्षण है दोस्तों, आप गोबर को देखिए। अगर आपको लग रहा है कि गोबर की जो फॉर्म होती है वो ना तो पतली होती है और ना ही कड़ी होती है, एक विशेष फॉर्म होती है जिसको हम सेमी सॉलिड फॉर्म बोलते हैं, और ये अगर सेमी सॉलिड फॉर्म नहीं है, गोबर पतला आ रहा है, कड़ा आ रहा है, काला आ रहा है, या गोबर में म्यूकस है, तो ऐसी कोई भी अगर स्थिति है तो भाई तुरंत आप पहचान लेंगे कि मामला खराबी की तरफ जा रहा है और आगे जाकर के दूध श्योरली कम होने वाला है। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप लक्षणों से पहचान सकते हैं। हालांकि बारीकियां अगर देखें ना तो ये लक्षण बहुत सारे होते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो के जो 3 लक्षण हैं वो तो आपको ऑब्जर्व करने ही पड़ेंगे, और कोई हार्ड नहीं है, ये सभी के लिए है, सभी कर सकते हैं। तो गोबर देख करके आपने पता कर लिया गोबर पतला है, तो भाई 2-3 दिन बाद दूध कम होने वाला है, जल्दी से जल्दी इसको सेट करो। क्या वॉर्म्स की प्रॉब्लम है, क्या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, क्या कुछ अटपटा खाया है, सड़ा गला खाया है, जो चीज हुई है उसको दूर करो, फटाफट दूर करो ताकि दूध कम ना हो। अगर गोबर कड़ा आ रहा है तो क्या भाई डिहाइड्रेशन है, क्या पानी प्रॉपर नहीं पिलाया है आप लोगों ने, या खाने को आपने बैलेंस्ड नहीं किया है, कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार ज़्यादा दे दिया, या फिर आपने प्रोटीन युक्त आहार ज़्यादा दे दिया, बैलेंस्ड डाइट नहीं दी, तो उसको आप करेक्ट कर लो, अपने आप सेट हो जाएगा। और नंबर 3 और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर कोई भी गाय भैंस आपने उसको ऑब्जर्व किया, अच्छी तरीके से ऑब्जर्व किया, और अगर कोई भी गाय भैंस प्रॉपर जुगाली नहीं कर रही है, खाना पीना और जुगाली कम, ये तीसरा टॉपिक है, तीसरा अपना पॉइंट है, तो खाना पीना अगर कम कर रही है तो जाहिर है दूध कम होगा, जुगाली अगर कम कर रही है तो भी दूध कम हो जाएगा। जुगाली दिन में कम से कम 8-10 घंटे कोई पशु अगर जुगाली करता है तो वो ठीक ठाक है, अच्छा है, ज़्यादा करे अच्छी बात, लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई 2 घंटे ही जुगाली की जिसने, वो जुगाली जुगाली नहीं है, और आप मान के चलें कि दूध कम होगा। इसके अलावा पानी पीना, पानी से आप आराम से पता कर लेंगे,
तुरंत आपने देखा कि आज तो पानी बिल्कुल ही कम पिया। तो पानी अगर कम पिया, खाना अगर कम खाया, या फिर जुगाली अगर कम की, तो भाई मान के चलो कि दूध कम होने वाला है। और भी बहुत सारे सिम्टम हैं, कभी डिटेल वीडियो में डिस्कशन करेंगे, लेकिन भाई ये तीनों सिम्टम आप खुद ऑब्जर्व कीजिए और पता कर लीजिए कि कहीं आपकी गाय भैंस का दूध कम तो नहीं होने वाला है।